हमारा 101 है, जिसमें पूछा गया है इफ ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 3 टाइम्स इट्स वेरिएंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेस आउट ऑफ 5 ट्रायल। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हम लोग देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एकदम पूछा गया है। तो कह रहा है कि इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 3 टाइम्स इट्स वेरिएंस। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है, मीन उसका फॉर्मूला होता है NP, और जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NPQ। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो मीन इज 3 टाइम्स इट्स वेरिएंस, जो मीन है वो वेरिएंस कितना है, 3 टाइम्स है। हम लोग यहां पे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेरिएंस, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मीन हो जाएगा NP और वेरिएंस हो जाएगा 3 टाइम ऑफ NPQ। और यहां से हम लोग देख लेंगे एन से एन कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो क्यू इज इक्वल टू यहां से हम लोग मिल जाएगा 1/3। अगर क्यू इक्वल टू 1/3 है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - Q, मीन्स हो जाएगा 2/3। ये दोनों वैल्यूज पी क्यू आ गई, हमको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 सक्सेस आउट ऑफ 5 ट्रायल। तो एन की वैल्यू हमारे पास 5 है और फॉर्मूला आप लोग के पास होता है NCR P की पावर R एंड Q की पावर N-R। रख दीजिए इसमें N की वैल्यू 5, C 3 टाइम 3 सक्सेस के लिए, तो यहाँ पे R की जगह 3 हो जाएगा और P की वैल्यू है 2/3 की पावर 3 एंड Q 1/3 की पावर 5-3 मीन्स 2 हो जाएगा। और 5C3 की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 5C3 10 हो जाएगा, ठीक, 5C3 की वैल्यू हो जाएगा 10। और यहां से हम लोग के पास 2 का हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 80/3 की पावर 5 मीन्स हो जाएगा 81, 3 × 3 = 24, 80/243। आंसर है हम लोग का, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर है, ठीक है, 80/243, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, एकदम फॉर्मूला में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का दिया गया है, इसमें पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिया गया है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, और कह रहे हैं विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 और 2 ओनली, 1 और 3 ओनली, 2 और 3 ओनली, या सभी तीनों। तो पहले स्टेटमेंट में आप देखिए यहां पे एकदम फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, तो पहला वाला तो करेक्ट है। और दूसरे वाले को देखते हैं, अगर दूसरे वाले को हम लोग ऊपर से ही मैच कर लें तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, देखा अगर हम लोग इस यहां पे इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये सभी इसको इधर लेके इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो यहां पर ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, ये वाला तो गलत हो जाएगा, इसी से आप चेक कर सकते हैं इसको कि गलत है। और थर्ड वाला भी फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, वो भी करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट। एकदम फॉर्मूला बेसिस कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जनरल है, सभी को पता होगा। ये वाला गलत है, आप इससे भी मैच करके चेक कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड 3 ओनली करेक्ट, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 101 एंड 102। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 103, जिसमें पूछा गया इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.6, कोवेरियंस इज 27 एंड वेरियंस ऑफ वाई इज 25, देन व्हाट इज द वेरियंस ऑफ एक्स। तो ये भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, देखिए इसको कैसे करेंगे। फॉर्मूला हम लोग का जो होता है, इसमें फॉर्मूला होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल टू होता है कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इनटू वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आर से लिखते हैं, यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.6 लिख देंगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है 27 हो जाएगा, यहाँ पे वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स हमको निकालना है,
वेरियंस ऑफ एक्स निकालना है और वेरियंस ऑफ वाई दिया 25, तो 25 ये हो जाएगा 6, इसको हम लोग इधर करेंगे तो अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू 27 अपॉन 25 पर अंडर रूट 5 और यहाँ पे 6 और 10 ऊपर पॉइंट को हम लोग ऊपर कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 5 1 5 5 2 10, 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 9 27, तो वेरियंस हम लोग का आ जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, फॉर्मूला बेस्ड था। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल है। बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटीज दैट ए स्टूडेंट विल सॉल्व क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी आर 0.4 एंड 0.5 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही सॉल्व एट लीस्ट वन ऑफ द टू क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। हम लोग को दिया है कि क्वेश्चन ए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, तो हम लोग निकाल लेंगे कि ए सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 - 0.4 मीन्स 0.6 हो जाएगा। सेकेंड इसी तरह से क्वेश्चन बी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 0.5, तो बी ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 0.5 मीन्स हो जाएगा 0.5। हमसे इन दोनों से मतलब है। ठीक है, तो एटलीस्ट फॉर्मूला होता है ये, एटलीस्ट हैपनिंग वन इवेंट, कोई एक इवेंट होने के लिए फॉर्मूला जो होता है 1 - कोई दो इवेंट है तो उसमें क्या ले लेंगे, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी ले लेंगे 1 - अगर मान लो दो इवेंट है तो उन दोनों इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर तीन होता तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास 1 हो जाएगा माइनस एक के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 लेंगे और बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.5, तो हो जाएगा 1 - 65 - 30 0.30, तो यहां हमारे पास 1 - करेंगे इसमें से तो आ जाएगा 0.7, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट हैपनिंग वन इवेंट मीन्स क्वेश्चन ए या क्वेश्चन बी एटलीस्ट वन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी इंटू बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर मान लीजिए कोई सी क्वेश्चन में दिया होता तो उसका भी क्या लिख देते, अपोजिट मीन्स सी के ना होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते, एटलीस्ट हैपनिंग वन इवेंट हम लोग का आ जाता है आंसर, तो हम लोग के पास बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा 0.7। ठीक है, ये है सॉल्यूशन, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं तब तक। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 105 एंड क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 105 एकदम सिंपल सवाल है, तो इसमें देखिए पूछा क्या गया, लेट एक्स बी द मीन ऑफ x1 x2 x3 एंड xn इफ एक्स आई इक्वल टू दिस फॉर सम कांस्टेंट a एंड c, देन व्हाट विल बी द मीन ऑफ y1 y2 y3। तो हम लोग जस्ट फॉर्मूला रख देते हैं, मीन ऑफ x फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाय टोटल जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो n टोटल टर्म्स हैं तो n से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और x1 x2 की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से यहां पे पुट कर देंगे, तो x बार हमारे पास आ जाएगा x1 लिखेंगे अगर यहां पे i की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस c y1, इसी तरह इसके लिए हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस c y2 ऐसे ही सो ऑन आगे तक, इसके लिए हम लोग रखेंगे तो a प्लस c yn डिवाइडेड बाय n तो रहेगा ही, और हम लोग देखिए यहां पे a को अगर हम लोग n टाइम तक ऐड करेंगे तो an हो जाएगा, a को अगर हम लोग n टाइम तक ऐड करेंगे तो an हो जाएगा, प्लस c कॉमन हो जाएगा इन सभी में और हमारे पास ब्रैकेट में आएगा y1 प्लस y2 प्लस सो ऑन yn तक पूरा आएगा डिवाइडेड बाय n आएगा। ठीक है, n से आप डिवाइड कर दीजिए उधर, x बार इक्वल टू हो जाएगा a प्लस c और इसको हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस y2 सो ऑन yn डिवाइडेड बाय n, तो यही तो हमारा क्या हो जाएगा मीन ऑफ y हो जाएगा। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं x बार माइनस a इक्वल टू c y का मीन हो जाएगा, तो हम लोग यहां पे मीन ऑफ y लिख सकते हैं x मीन माइनस a अपॉन c, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं y का मीन निकालना था तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा,
आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट दो दिया है, पूछा इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। कह रहा है कि इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज जीरो देन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड अगला कह रहा है कि इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इक्वल टू वन देन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है इसका एंगल वाला वो होता है टेन थीटा इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, और इधर होता है अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई। ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर हम लोग जीरो लेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, तब जाके थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। जब ये इनफाइनाइट होगा तब थीटा 90 डिग्री होगा, कब, जब आर क्या होगा जीरो। लेकिन इसके लिए तो पैरेलल दिया है, जबकि इसके लिए क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर। और अगर हम लोग आर वन लेते हैं तब इसकी वैल्यू जीरो आएगी, मतलब आर वन के लिए पैरेलल होना चाहिए और दिया गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो दोनों गलत है। तो नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट इस फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, ये था सॉल्यूशन हमारा, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वीडियो पुश करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 एंड 108। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 107 पूछा हुआ है इफ 4x माइनस 5y प्लस 33 इक्वल टू 0 एंड 20x माइनस 9y इक्वल टू 107 आर टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x बार एंड y बार रिस्पेक्टिवली। फोर ऑप्शन दिया गया है, तो आप करिए इन दोनों इक्वेशन को जनरली सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास है 4x माइनस 5y, 33 को आप इधर कर दीजिए, और हमारे पास अगली इक्वेशन है 20x माइनस 9y इक्वल टू 107। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है, आप इसको क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 गया, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पे 25 एंड प्लस 9, तो 25 माइनस में प्लस 9 वाई हो जाएगा ये हमारे पास। और इसको हम लोग करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारे पास ये माइनस 107। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 16y, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 16 रहेगा, और ये हो जाएगा 52 हो जाएगा यहाँ पे 6 और 17 और 2। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस में, वो भी रहेगा माइनस माइनस कैंसिल, 16 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 4 and 7, तो मींस बचेगा हमारे पास 11, 112, तो 16 7 112 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 17, वही वैल्यू 17 आ जाएगी। एक वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट में, तो 4x माइनस 5 इंटू 17 इक्वल टू माइनस 33 था। ठीक, तो 4x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 33 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 85। ठीक है, 33 गया 2, 5 में गया 5, तो 4x x इक्वल टू आ जाएगा 13। हमारे पास आंसर क्या आएगा 13 and 17, 13 and 17 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस एकदम है। ठीक है, कह रहा है कि ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट कह रहा है मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। ठीक है, ये कह रहा है ये गलत है क्योंकि डिपेंड करती है, ये तो गलत हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। सेकंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है वेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट नॉट इन ओरिजिन। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट, तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 and 110। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 109 जो वो स्टेटमेंट इसमें पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है
द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। कह रहे कि द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से डेविएशन जो होता है उसका सम ऑलवेज जीरो होता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग डेविएशन जो है मीन से निकालेंगे तो उसका सम हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगला कह रहा है कि द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेक्स अराउंड मीडियन। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, एकदम से कॉमन सा जेन्युइन सा स्टेटमेंट दिया गया जो कि करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, बोथ वन एंड टू, ठीक है, एकदम सिंपल था। अगला क्वेश्चन जो 110 है, इससे पूछा है व्हाट इज मीडियन, मीडियन ऑफ नंबर। ये भी एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है। तो हमारे पास पहले देख लेते हैं कि नंबर्स को क्या करना रहता है, अरेंज करना रहता है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं नंबर्स को। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर आपको निगेटिव वाला दिख रहा होगा -4.8। देन उसके बाद आपको जीरो दिख रहा होगा, जीरो के बाद हम लोग बढ़ते हैं 1, 2, 2 वाला देखते हैं कहीं पे है, 2, 2.3, 3 की 2 के बाद देखते हैं 3 वाला कहीं पे हो, 3 के आसपास, तो 3.5 है, फिर 3.9 है, हमारे पास 3.5 एंड 3.9 हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 के आसपास कोई नंबर, 4.6 है, 4.6 है और सिर्फ 4.6 है। फिर हम लोग देखते हैं 5 के आसपास वाला, 5 के आसपास कौन सा नंबर है, 5.2 है, 5.2 के बाद 6 देखते हैं, 6.1 है एंड देन 7.6 है, 6.1, फिर उसके बाद हमारे पास 7.6। फिर हम लोग 8 के आसपास 8.2 है, फिर 9.3 आएगा हमारे पास, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों हो चुके हैं, ठीक है, 12.7। तो ये हो गया ऑर्डर हमारे पास, और कितने टोटल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितने हैं, 12, एन हमारे पास क्या है, 12 है, जो कि क्या है, इवन नंबर है। और हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, अगर नंबर्स हमारे पास इवन है, इफ एन इवन, देन मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एन बाई टूअर्थ टर्म, ठीक, एन बाई टूअर्थ टर्म प्लस एन बाई टूअर्थ प्लस वन टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू कर देते हैं हम लोग। तो n बाई टू टर्म मतलब सिक्स टर्म हो गया, n 12 है हमारे पास यहाँ पे इस केस में, तो हो जाएगा सिक्स टर्म प्लस 6 + 1 सेवन टर्म डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देता। तो सिक्स टर्म हमारे पास कौन सा देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ये हो जाएगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे 4.6 प्लस 5.2 बाई 2, तो हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा 4.5, 9.8 बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2, 2 4 8 और 2 9 18, तो 4.9 बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास यहीं पे इफ एन ऑड होता, अगर ऑड नंबर वाला होता तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है एन प्लस 1 बाई 2 टर्म, ठीक, ये वाला टर्म ले लेते हैं, मतलब बीच का टर्म हो जाता तो वो फॉर्मूला लगा देते, इवन है हम लोग ये फॉर्मूला लगा कर लिए, ऑप्शन बी 4.9 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 110 तक का सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 12th पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 111, 120 लास्ट डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।